मैंने एक कंसेप्ट यूज किया है कि क्लास में अगर हमें सिंपली अगर हम कोई भी जस्ट वेट अ मिनट ओके तो अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, तो मैंने इस एग्जाम्पल में समझाया था कि अगर हम क्या करते हैं, सिंपल यू नेम पास करें तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास में रिजल्ट आए, ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, एज पर्सन की डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। देखते हैं कैसे ये काम किया था मैंने, मैंने एक्सप्लेन भी किया था उस टाइम। तो देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस पर्सन क्लास की, ठीक है, इस पर्सन क्लास में मैंने नेम और एज दो डेटा मेंबर्स क्रिएट किए थे, ठीक है। अगेन एक्सेप्ट फंक्शन जो है वो सिंपली नेम और एज में इनपुट लेने का काम करेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नेम का इनपुट कैसे लेते हैं, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली यहाँ पर स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए अगर हम मल्टीपल वर्ड्स की स्ट्रिंग का इनपुट लेना चाहते हैं तो सी इन डॉट गेट लाइन फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें मेंशन करना होता है सबसे पहले स्ट्रिंग का नेम, देन कितने एलिमेंट्स या कितने जो कैरेक्टर्स हैं उसकी स्ट्रिंग का इनपुट लेना चाहते हैं। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं एज की, तो एज तो इंटीजर में है तो सिंपली हम इनपुट ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं डिस्प्ले फंक्शन की, तो डिस्प्ले फंक्शन पर्सन के नेम और एज को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जयश्री आप यहाँ है क्या क्लास में? ओके। इसके बाद अगर मैं सर्चिंग की बात करूं, तो मैंने इस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था कि ये सर्चिंग किस तरीके से परफॉर्म होगी। इसके लिए मैंने सिंपल पर्सन क्लास का यहाँ पर क्या किया है, यूज करने के लिए दो सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सिंपल किस फॉर्मेट में है, एरे के फॉर्मेट में। अभी तक हमने सिंपल एक एक ऑब्जेक्ट बनाना देखा था, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स का भी क्या कर सकते हैं, कलेक्शन या उनकी एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही काम किया है। इसके बाद मैंने क्योंकि एरे है दो इंडेक्सेस की एरे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। अगेन मैंने डिटेल्स को इनपुट लिया, इनपुट यहाँ पे यूजर से लिया है डिटेल्स का कि पर्सन का जो नेम है और एज, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर सबसे पहले जीरो इंडेक्स के लिए एक्सेप्ट फंक्शन कॉल होगा, तो सिंपली ये एक्सेप्ट फंक्शन क्या करेगा, एक इंडेक्स के लिए नेम और एज का इनपुट लेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो लेट से मैंने यहाँ पर उस दिन जितना एक्सप्लेन किया था तो नेम और एज ये इनपुट किया ऐसे ही, देन फर्स्ट इंडेक्स के लिए यही सेम काम होगा, नेम और एज का इनपुट लिया जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करते थे, एक्सेप्ट या डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स की एरे, तो इसलिए हमें इंडेक्स तो मेंशन करना जरूरी होगा कि हम कौन से इंडेक्स के लिए इनपुट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इनपुट लेने के बाद मैंने डिटेल्स को डिस्प्ले करवाई है, क्योंकि एरे है तो बेसिकली इंडेक्स तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। देन उसके साथ मैंने डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर क्या किया है, अप्लाई किया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिंपल यहाँ पर मैंने एम का क्या करना चाह रही हूँ कि नेम का इनपुट लेकर, ठीक है, उसको इन दोनों रिकॉर्ड्स में, या इनको सिंपल हम रिकॉर्ड कह सकते हैं, या मैं यूं कहूँ कि दोनों इंडेक्सेस के नेम से मैं कंपेयर करूंगी, जहां जिस इंडेक्स के नेम से वो पर्टिकुलर इनपुट नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो बताया कि मैं यहाँ पर नेम का इनपुट ले रही हूँ, तो ये नेम जिस इंडेक्स के नेम से मैच हो गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखें मैंने यहाँ पे नेम का इनपुट लिया है, और इनपुट लेने के बाद सबसे पहले आई की वैल्यू 0 के लिए ये मैंने लूप चलाया है, 0 1 ये दो इंडेक्सेस के लिए लूप चलेगा, ठीक है। ऐसा तो हमें समझ आता है कि कितनी बार ये लूप चलेगा, तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 के लिए ये लूप चलेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, सर्च फंक्शन जो कि इसी क्लास का पार्ट है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के जो एरे है उसके साथ में डॉट ऑपरेटर पुट किया है, देन सर्च फंक्शन को यूज किया है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास में सर्च फंक्शन है वो उसी क्लास का पार्ट है, ठीक है। अब
सर्च फंक्शन में मैंने यूजर ने जो इनपुट किया, लेट्स से कि यूजर ने इनपुट दिया था, यहाँ पर जो हमने इनपुट लिया था ठीक है, वो इनपुट में दिया राहुल वर्ड ठीक है। अब सर्च फंक्शन को सबसे पहले एनएम में क्या था हमारे पास में राहुल, मैंने वो पास कर दिया सर्च फंक्शन को। उसके अकॉर्डिंग सर्च फंक्शन जो है यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर एनएम में जाकर कॉपी हो जाएगा सिंपल राहुल वर्ड ठीक है। ये राहुल वर्ड यहाँ पर जाकर कॉपी हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर चेक किया जाएगा कि जो जीरो इंडेक्स है ठीक है, जीरो इंडेक्स पे जो नेम है ठीक है, उसको इस नेम से यहाँ पर जो यूजर ने पास किया था उस नेम से कंपेयर किया जाएगा। हमें पता है क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट ने सर्च फंक्शन कॉल किया था, वो करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, T2, और वो भी एक एरे के फॉर्मेट में। तो इसलिए मैंने बताया था कभी भी डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है जब जिस फंक्शन ने जब जिस ऑब्जेक्ट ने वो फंक्शन कॉल किया होता है, तो हमें कहीं पर भी डॉट नहीं मेंशन करना होता है उस केस में, कब, जब हम उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर रहे होते हैं तब ठीक है। तो इस केस में नेम जो है वो इस नेम के साथ में कंपेयर होगा ठीक है। मैंने एक केस इनसेंसिटिव कंपेरिजन करवाया, तो ये वर्ड ये इस वर्ड से मैच हो जाएगा, तो सिंपल डिस्प्ले जो फंक्शन है वो कॉल होगा और रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर काम इस एग्जाम्पल में हमने देखा। जयश्री इज दैट क्लियर या फिर कुछ कंफ्यूजन है या और किसी को इस एग्जाम्पल में कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। चले तो इसी हिसाब से जब ये सेकेंड इंडेक्स के लिए वापस से सर्चिंग होगी, तो अगर ये ही नेम वापस से अगर इस इंडेक्स के नेम से भी मैच हो जाएगा तो क्या होगा, वापस से ये रिकॉर्ड भी डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अभी जो मैंने नेम इनपुट दिया उसमें यही इंडेक्स की वैल्यू से मैच हुआ, इसी इंडेक्स के नेम से मैच हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो आप देखिए क्या डिस्प्ले हुआ ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इनपुट लिया था, देन डिटेल्स डिस्प्ले करवाई जैसा कि मैंने अभी बताया था मेन मेथड में, देन मैंने सर्चिंग के लिए राहुल वर्ड यहाँ पर क्या किया एज अ इनपुट में दिया, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जो था वो जीरो इंडेक्स की वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो इस तरीके से ये सर्च फंक्शन यहाँ पर काम करेगा ठीक है। आप चाहें तो एरे जो है हमारे पास में ठीक है, उसको डायरेक्टली आप सर्च फंक्शन में पास कर दें और वहीं पर ये लूप क्या करें, यूज करें, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन मैंने क्या किया है, सिंपल सर्च फंक्शन में वो सिर्फ सर्चिंग का ही कोड लिखा है। ये कोड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो लॉजिक है प्रोग्राम का आप कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हम सर्चिंग किस तरीके से कर सकते हैं, अगेन क्यू बैंक में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं, आप लोग उनको ट्राई करिएगा ठीक है। मैंने आज की क्लास में कुछ असाइनमेंट्स भी इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किए हैं, उनको देखेंगे बाद में, बट पहले आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देन नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है वो है नेमलेस ब्लॉक। इसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि सिंपल नेमलेस ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं ठीक है। अब नेमलेस ऑब्जेक्ट की तरह ही हमारे पास में एक नेमलेस ब्लॉक का भी कंसेप्ट होता है। क्या होता है नेमलेस ब्लॉक अगर हम देखें, तो देखिए कई बार हमें इस तरह से ब्लॉक की जरूरत पड़ती है ठीक है। यहाँ जो हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं वो सिंपल एक ही ब्लॉक तक लिमिटेड हो, उसके बाहर उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को अगर हमें यूज नहीं करना है तो हम वहां पर कंसेप्ट यूज कर सकते हैं नेमलेस ब्लॉक। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हम अभी तक देखते हुए आए हैं ठीक है, हालांकि मैं इस टॉपिक को क्लास के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो जो दो मैंने टर्म्स लिखे हैं यहाँ पर उनको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या लिखा गया है। देखें अभी तक जैसे हम नेमलेस ब्लॉक के अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल दूं, तो जैसे आप लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा, यहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल सिंपल पास किए ठीक है, और उनका सम क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया, किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर ना करवा के आप लोगों ने क्या किया, रिटर्न स्टेटमेंट पे एक्स और वाई को क्या कर दिया, एडिशन करवा के रिटर्न करवा दिया। तो ये भी यहाँ पर क्या है, अब सम कहीं स्टोर तो हो नहीं रहा है, सिर्फ सम होगा ठीक है और रिटर्न हो जाएगा, दैट्स इट ठीक है। अब अगर मैं एक्स और वाई की बात करूं, तो ये पर्टिकुलर अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में इनको यूज करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती, या तो मैं वापस से किसी वेरिएबल में स्टोर करूँ
तब मैं इसको वापस से आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में यूज में लेकर आ सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ काम अगर हम समझना चाहें क्लासेस के थ्रू तो देखिए कैसे पॉसिबल है। एग्जाम्पल है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 146। ठीक है, तो देखिए नेमलेस ब्लॉक कैसे क्रिएट किया जाएगा और क्या इसका यूटिलाइजेशन है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने अगेन पिक्सल क्लास यहाँ पे क्रिएट की है। दो अलग अलग पिक्सल्स के लिए मैंने ए और बी, ठीक है, पता है एक्स और वाई दो पिक्सल्स को हम कंसिडर करते हैं 2D सिंपल एरिया में। तो मैंने यहाँ पे ए और बी दो अलग अलग क्या किए हैं, मेंबर्स लिए हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। अगेन जैसे पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन मैंने डिफाइन किया है, वैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर सेक्शन में दो अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन किए हैं। एक कंस्ट्रक्टर जीरो आर्ग्यूमेंट यानी कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और सिंपल दूसरा कंस्ट्रक्टर हमारे पास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं उस क्लास में तो मैंने एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन दोनों को क्रिएट किया है। जैसे अभी तक हम पिक्सल क्लास को देखते हुए आए हैं, एज इट इज यहाँ पर वही किया है मैंने। ठीक है, अब नेमलेस ब्लॉक का जो कंसेप्ट है वो मैंने मेन में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, देखते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, T2 नाम से एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही होता है, तो इस केस में T2 नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और दो आर्ग्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर सेंड किए हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि जो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है हमारे पास में, सिंपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स वाला कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो A1 में वैल्यू असाइन हो जाएगी, सिंपल अगर मैं बताऊं यहाँ पर तो 300, और ऐसे ही हमारे पास में B1 में वैल्यू असाइन हो जाएगी 400। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था उस टाइम पर इस तरीके से हमने वैल्यू पास की थी। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, T2 जो ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर्स में A और B में 300 और 400 वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसके बाद मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट के साथ में। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो देखें P2 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू यानी कि A और B की वैल्यू 300 और 400 डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, यहां तक तो कुछ भी नया नहीं है, जैसा हम पहले देखते हुए आए हैं सेम वैसे ही। अब देखें, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने पिक्सल P1 लिखा है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन के साथ ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट P1 क्रिएट होगा और डेटा मेंबर्स में 10 और 20 वैल्यू असाइन हो जाएगी। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था तो इसलिए 10 और 20 वैल्यू असाइन हो गई। ठीक है, अब देखें इस ऑब्जेक्ट के साथ ही मैंने क्या किया, इसके जस्ट बॉटम में मैंने यहाँ पर सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स, जैसे कि हम फॉर लूप में कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं वैसे ही कर्ली ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया। ठीक है, और इस कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में मैंने कुछ स्टेटमेंट्स क्या किए हैं, मेंशन किए हैं। तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का नाम मैसेज कुछ नहीं है। ठीक है, इस ब्लॉक को हम एनोनोमस ब्लॉक कहेंगे, या मैं यूं कहूँ कि जैसे अगर मैं फंक्शन क्रिएट करती हूँ तो फंक्शन का कोई ना कोई नाम होता है। फंक्शन एक ब्लॉक के फॉर्म में होता है, उसका कोई ना कोई नाम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं एक्सेप्ट फंक्शन की, तो ये ब्लॉक तो है, इस ब्लॉक का एक नाम भी है, इस ब्लॉक को मैं बाद में भी रेफर कर सकती हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैं एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन को यूज कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में एक और कंसेप्ट आता है नेमलेस ब्लॉक का। ठीक है, जरूरत क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, बट ये जो नेमलेस ब्लॉक हमने क्रिएट किया है, इस ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, आप चाहे किसी कंडीशन के बाद भी नेमलेस ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, या किसी भी केस में आप एक नेमलेस ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में इस कंसेप्ट को यूज किया है, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वेरिएबल के बाद भी आप सिंपल एक नेमलेस ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। इस नेमलेस ब्लॉक को मैंने इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखा। ठीक है, और इस ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया, एक T3 नाम से अगेन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, लेकिन इस बार मैंने इस ऑब्जेक्ट में वैल्यूज जो पास की हैं वो 50 और क्या है
60, ये दो वैल्यूज पास की हैं, ठीक है। देन P3 ऑब्जेक्ट के डेटा को मैंने, सबसे पहले यहाँ पे P3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दो आर्ग्यूमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और P3 ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से आपके पास में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो P3 ऑब्जेक्ट के A डेटा मेंबर में वैल्यू रहेगी 50 और B डेटा मेंबर में वैल्यू कितनी रहेगी 60, ठीक है। ये बात हो गई P3 ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब इसके बाद मैंने मैसेज दिया है और P3 यानी कि इस ब्लॉक के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही, तो ऑब्जेक्ट के साथ हमें पता है हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने इस ब्लॉक के अंदर ये सारा काम किया है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर P3 की अगर मैं बात करूं तो P3.display फंक्शन, P3 के साथ जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो A और B किसके कंसिडर किए जाएंगे, जिस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तो P3 ऑब्जेक्ट ने कॉल किया तो 50 और 60 डिस्प्ले हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस 50 और 60 यहाँ पर रिजल्ट में हमें शो हो जाएंगे, ठीक है। अब नेमलेस ब्लॉक की जरूरत क्यों पड़ी, ये काम तो हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम ये तो पिक्सल P3 जो मैंने बनाया है, P3 ऑब्जेक्ट, उसको तो मैं मेन में भी कहीं पर भी क्रिएट कर सकती हूँ, फिर इस नेमलेस ब्लॉक की क्या जरूरत पड़ी। देखिये कई बार हमें ऐसे वेरिएबल्स की या ऐसे कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिसको कि हमें या तो एक ही स्टेटमेंट या एक दो लाइन तक हमें यूज में लेना है, पूरे प्रोग्राम में उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक नेमलेस ब्लॉक क्रिएट करके, ठीक है, उस नेमलेस ब्लॉक में हम सिंपल उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी डेटा टाइप का या कोई भी लूप वगैरह या कोई भी सिंपल एक वेरिएबल यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, इस ब्लॉक के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस ब्लॉक में तो हमने क्रिएट किया, तो ये क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक का एक लोकल वेरिएबल। ए क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था स्टोरेज क्लास में लोकल ऑटो जैसा कुछ कंसेप्ट, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा लोकल वेरिएबल। ऐसे ही अगर मैं बात करूं P3, तो P3 ऑब्जेक्ट भी इस ब्लॉक का लोकल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम फंक्शन में अगर वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो सिर्फ फंक्शन तक ही लिमिटेड रहते हैं, या लूप में अगर हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे तो लूप तक ही लिमिटेड रहते हैं, लूप के बाहर हम उनको यूज नहीं कर सकते। एस लाइक दिस हमने इस नेमलेस ब्लॉक में क्या किया है, वेरिएबल और ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, ठीक है। अब समझने वाली क्या बात रहेगी कि मैं अगर इस ब्लॉक के बाहर इस P3 ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहूंगी तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक एरर हमें शो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये P3 ब्लॉक इसी ब्लॉक का क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा, इसका आगे इस ब्लॉक के ओवर होने के बाद कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। और भी काफी सारे कंसेप्ट है नेमलेस ब्लॉक के साथ में, तो P3 ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही ब्लॉक एंड हुआ P3 ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ और वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। ऐसे ही लेकिन मैं अगर P1 ऑब्जेक्ट को यहाँ पर यूज करना चाहूं और डिस्प्ले फंक्शन अगर मैं कॉल करूंगी तो वो वैलिड है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये हमने ब्लॉक से पहले बनाया था, ब्लॉक क्रिएट होने से पहले हमने क्रिएट किया था, तो ये यहाँ पर जो सिंटेक्स है वो वैलिड है। सॉरी यस, तो ये यहाँ पर वैलिड मेथड है। अब इसके बाद अगर हम P1 को डिस्प्ले करवाएं तो देखें P1 के केस में उसकी जो वैल्यूज है 10 और 20 वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो नेमलेस ब्लॉक के केस में हम उसको पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो एक्सेस भी नहीं कर सकते, और जैसे ही ये ब्लॉक ओवर होगा
तो हाथों हाथ पी थी जो पी थ्री नाम का ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी प्रोग्राम में मैं डिस्ट्रक्टर के कॉलिंग की सीक्वेंस की बात करूं, तो सबसे पहले जो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, वो कॉल होगा पी थ्री ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर के कॉल में सबसे पहले यहाँ पर पी थ्री, अगर मैं डिस्ट्रक्टर की बात करूं, ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर के केस में पी थ्री ऑब्जेक्ट के साथ में डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट, और मैंने बताया भी था कि जब ब्लॉक एंड होता है तो भी डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। तो हमने क्योंकि इस ब्लॉक में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, तो सबसे पहले इसी का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसी के साथ, या मैं यूं कहूं कि पहले पी थ्री ऑब्जेक्ट मेमरी में से इरेज होगा, आफ्टर दैट पी वन ऑब्जेक्ट मेमरी में से इरेज होगा, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में पी टू नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। और मैंने समझाया था कि जो कंस्ट्रक्टर के कॉलिंग की सीक्वेंस है उसके जस्ट रिवर्स में हमारे पास में डिस्ट्रक्टर के कॉलिंग की सीक्वेंस रहती है, ठीक है। तो पहले P3 ऑब्जेक्ट के साथ में पहले P3 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, देन P1 ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट P2 नाम का ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। यहां तक कुछ कंफ्यूजन रह गई हो तो पूछ सकते हैं। नेमलेस जो ब्लॉक का कंसेप्ट है वो यहीं पर ओवर होता है। इसके बाद हम C++ का एक और मेन कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज स्टैटिक मेंबर्स, ठीक है। सॉरी, अगर मैं बात करूं स्टैटिक मेंबर्स की, तो बेसिकली स्टैटिक मेंबर्स क्यों यूज करते हैं और क्या है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं स्टैटिक मेंबर्स की, तो अभी तक हमने देखा था कि हम क्लास में जो भी डेटा मेंबर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ देखें, इसी एग्जांपल को अगर हम देखें, तो अगर मैंने यहाँ पे ए और बी दो डेटा मेंबर्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैं क्रिएट करूंगी, ठीक है, तो इन पर्टिकुलर डेटा मेंबर्स की अलग अलग कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में सेपरेट रहेगी, या मैं यूं कहूँ कि अलग अलग कॉपी क्रिएट होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे P2 ऑब्जेक्ट के साथ में A B अलग रहेंगे, P1 ऑब्जेक्ट के केस में A और B अलग रहेंगे, P3 ऑब्जेक्ट के केस में A और B अलग रहेंगे। ऐसे अगर मैं 10 डेटा मेंबर्स क्रिएट करती, तो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में डेटा मेंबर्स की अलग अलग कॉपी क्रिएट होती, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी होते हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे भी होते हैं जहां पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्टैटिक को समझने की अगर मैं बात बताऊं, तो जैसे अगर मैं आप लोगों की कॉशन मनी की बात करूं, तो कॉशन मनी सबके लिए सेम है, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों के ही डिटेल्स को देखें, तो आप लोगों के सबके नेम अलग है, रोल नंबर अलग है, तो वो तो अगर आप लोग जैसे एक क्लास बनी हुई होगी जिसमें रोल नंबर नेम, ठीक है, इस तरह से कुछ मेंबर्स होंगे, और ऐसे ही वहां पर कोर्स भी चली, ठीक है, कोर्स भी सेम हो सकता है, लेकिन नेम, रोल नंबर, एड्रेस तो अलग अलग ही होगा, सबका सेपरेट ही होगा, ठीक है। तो ये तो हर एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट वरी कर सकता है। लेकिन अगर मैं कॉलेज की बात करूं, तो कॉलेज के अकॉर्डिंग कॉशन मनी की अगर मैं बात करूं, तो कॉशन मनी सारे स्टूडेंट्स की सेम होगी, ठीक है। लाइब्रेरी की जो कॉशन मनी है, एग्जाम्पल के तौर पर 1000 है, तो वो सबके लिए सेम ही होगी, ठीक है। तो हमारे पास में क्लास में कुछ मेंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए उनकी वैल्यू क्या हो, सेम, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कॉशन मनी, ठीक है। तो ऐसे मेंबर्स को हम क्या करते हैं, अब अगर मैं कॉशन मनी की बात करूं, तो मैं अगर हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग रखूं, तो उसका कोई नीड नहीं रह जाएगी, क्योंकि कॉशन मनी तो एक बार अगर कॉलेज ने डिसाइड कर दी कि 1000 है, तो वो 1000 सबके लिए सेम ही रहेगी, तो हर एक स्टूडेंट के लिए उसको अलग अलग सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसे कि हमारे पास में अभी हमने देखा था कि जो सिंपल हमने डेटा मेंबर्स क्रिएट किए हैं वो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ कंसेप्ट होता है हमारे पास में जिसको हम बोल सकते हैं कि शेयरेबल मेंबर्स, ठीक है, या फिर हम कहें कि स्टैटिक मेंबर्स। अब इस स्टैटिक मेंबर की क्या जरूरत है, क्यों क्रिएट कर रहे हैं,
वो देख रहे हैं एग्जाम्पल, हम कॉशन मनी का एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं फर्स्ट एग्जाम्पल की, मैंने अभी जो कॉशन मनी वाला एग्जाम्पल दिया मैं उसको वापस रिपीट करूंगी ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। बट पहले हम अभी ये देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अगर मैं बात करूँ स्टैटिक मेंबर्स की रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स की, तो बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड हम एक तो हमने स्टोरेज क्लास में भी देखा था, ठीक है, और हमने रिकर्जन के केस में भी मैंने बताया था आप स्टैटिक कीवर्ड को यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टैटिक का, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास में स्टैटिक कीवर्ड है, ठीक है, स्टैटिक अगर हमें फंक्शंस या मेंबर्स को क्रिएट करना है, ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं स्टैटिक कीवर्ड को। सेकंड पॉइंट, जब भी हम स्टैटिक मेंबर्स को क्रिएट करते हैं तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उस पर्टिकुलर स्टैटिक मेंबर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, यानी कि उनकी एक ही कॉपी मेमोरी में क्रिएट होती है। अभी तो क्या हुआ है इस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ए बी की एक कॉपी ये क्रिएट हुई, एक कॉपी इस ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट हुई और एक कॉपी इस ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट हुई। लेकिन अगर मैं क्लास में कुछ मेंबर्स को स्टैटिक बना दूं, ठीक है, तो क्या होगा, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स उस पर्टिकुलर एक मेंबर को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और उसके एक ही कॉपी मेमोरी में क्रिएट होगी। तो ये फायदा हो गया हमारे पास में स्टैटिक कंसेप्ट के केस में कि डेटा मेंबर मेमोरी में एक बार ही बना है, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसको चेंज करेगा तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, क्या होगा, पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि स्टैटिक मेंबर सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है, शेयरेबल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम घर पे कुछ बात करें, कुछ कॉमन कंटेंट या कुछ कॉमन थिंग्स की जो कि घर के सारे मेंबर शेयर कर सकते हैं, वैसे ही कुछ काम हमारे पास में स्टैटिक मेंबर के केस में भी होता है, ठीक है। All static members is initialized to zero. By default, सारे members जो कि हम integer के ले रहे हैं, integer type के static members ले रहे हैं, तो वो zero से initialize रहते हैं, ठीक है। और class के बाहर हमें उनको एक बार initialization का step mention करना जरूरी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्या points हैं। Next, static variables को हम class variables भी कहते हैं कई बार, देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या होगा, फिर इसका एक प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं। तो हमें स्टैटिक कीवर्ड मेंशन करना होगा, देन हमें जिस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सॉरी डेटा मेंबर क्रिएट करना है, यानी कि डेटा टाइप हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा, देन यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर वेरिएबल या डेटा मेंबर का नेम मेंशन करना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे क्वेश्चन मनी के नाम से एक स्टैटिक मेंबर क्लास में क्रिएट करना है, ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा, स्टैटिक एग्जांपल बता रही हूँ मैं यहाँ पर, एग्जांपल के तौर पर स्टैटिक, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मनी मैं इंटीजर में ले लेती हूँ, देन क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एक स्टैटिक मेंबर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर मेंबर है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो किसी अगर एक ऑब्जेक्ट ने भी इसको चेंज किया होगा, ठीक है, तो वो सबके लिए क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी वैल्यू को 2000 कर दिया गया, तो सारे ऑब्जेक्ट उसी वैल्यू को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, एक ही ब्लॉक बनेगा और सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो शेयरेबल होगा, ठीक है। और ऐसे ही स्टैटिक के जो कंसेप्ट है उसको हम वेरिएबल्स के साथ में, जो कि हमने ऑलरेडी देखा था जब हमने फंक्शंस और वेरिएबल्स यानी कि स्टोरेज क्लासेस के कंसेप्ट को देखा था, प्लस फंक्शन में भी हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड यूज में आ सकता है, क्लास के मेंबर्स को डिफाइन करते टाइम, मेंबर्स में फंक्शन भी इंक्लूडेड है कि अगर हम क्लास में फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उनको भी हम स्टैटिक बना सकते हैं, डेटा मेंबर्स को भी हम स्टैटिक बना सकते हैं, प्लस हम ऑब्जेक्ट्स को भी स्टैटिक बना सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था स्टैटिक का स्कोप भी होता है कुछ ना कुछ, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स के केस में हमने देखा था कि स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, जब तक कि वो ब्लॉक या जब तक कि वो प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हमने फंक्शन के अंदर बनाया है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, तो फंक्शन जब तक हमारे पास में वो प्रोग्राम एग्जिस्ट करेगा,
ठीक है, तब तक स्टैटिक वेरिएबल भी एग्जिस्ट करते हैं मेमोरी में, ऐसा हमने देखा था पहले कुछ एग्जाम्पल्स में। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे ही एक काउंट नाम से क्या करूं, एक ऑब्जेक्ट मैं डेटा मेंबर को क्लास में क्या करूं, क्रिएट करूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये काउंट जो होगा वो सारे मेंबर्स के बीच में इस तरीके से शेयरेबल होगा। एक और पिक्चर भी है उसके थ्रू और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ स्टैटिक कंसेप्ट के डेटा मेंबर के साथ में। ठीक है, मैंने बताया कि स्टैटिक आप डेटा मेंबर के साथ भी पुट कर सकते हैं, वेरिएबल्स के वेरिएबल के साथ भी पुट कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी स्टैटिक कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, प्लस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में भी, फंक्शंस के साथ में भी, और सिंपल क्लास के डेटा मेंबर्स के साथ में भी। तो पहला कंसेप्ट हम डेटा मेंबर के साथ देख रहे हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बॉक्स नाम से एक क्लास क्रिएट की है। ठीक है, बॉक्स को हमें पता है क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे बॉक्स के केस में तीन डेटा मेंबर्स डिफाइन किए हैं। अगेन क्लास के पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में ना डिक्लेयर करके मैंने उनको प्राइवेट मेंबर डिक्लेरेशन में डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो लेंथ, विड्थ और हाइट डिफाइन किया है। जस्ट वेट अ मिनट, के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टैटिक मेंबर भी डिफाइन किया है। ठीक है, देखिए जो स्टैटिक मेंबर है मैंने ऑब्जेक्ट काउंट के नाम से क्या किया है, डिफाइन किया है। मैंने अभी बताया कि स्टैटिक के केस में जो हमारे पास में बाय डिफॉल्ट जो है वो जीरो वैल्यू इनिशियलाइज रहती है। ठीक है, लेकिन स्टैटिक के केस में एक कंसेप्ट और भी है, जीरो तो डिफाइन रहेगी बाय डिफॉल्ट, तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट काउंट वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो। ठीक है, आगे प्रोसीड करने से पहले, स्टैटिक जब भी हम डेटा मेंबर क्लास में क्रिएट करते हैं तो सिंपल से याद रखने वाली बात ये रहेगी कि इस पर्टिकुलर क्लास के बाहर हमें स्टैटिक मेंबर को या तो हम इनिशियल, अगर हम इनिशियलाइज, हमें तो पता है कि बाय डिफॉल्ट जीरो इनिशियलाइज रहता है, लेकिन जैसे अगर मैं क्वेश्चन मनी की ही बात करूं तो क्वेश्चन मनी में मैं चाहती हूँ इनिशियली कुछ तो वैल्यू रहे, तो उस केस में यहाँ पर स्टैटिक मेंबर को हमें क्लास के बाहर इस तरीके से डिफाइन करना जरूरी होता है। ठीक है, और डिफाइन करने के लिए वापस से हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस केस में अगर मैं बात करूं कि कोई भी मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है तो वेरिएबल का डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम आप लिखते हैं और उसको जिस वैल्यू से आपको इनिशियलाइज करना है कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो जीरो होता ही है, लेकिन अगर हम किसी और वैल्यू से भी इनिशियलाइज करना चाहें तो वी कैन। ठीक है, लेकिन जब बात आएगी स्टैटिक मेंबर्स की तो यहाँ पर आपको क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पुट करना जरूरी है, और यही स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का एक और यूज है कि क्लास के स्टैटिक मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए वी हैव टू यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। कई बार स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के यूजेस को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है एग्जाम में कई बार। ठीक है, तो ये सिंपल आपको डिफाइन करना इस तरीके से क्लास के बाहर जरूरी होगा, कब, अगर आप स्टैटिक डेटा मेंबर्स को क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो। अब भले ही यहाँ पर कोई भी वैल्यू ना असाइन करें, बाय डिफॉल्ट आपको जीरो वैल्यू को ही कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट क्लास के बाहर लिखना कंपल्सरी होता है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास में, अदरवाइज एरर आपको शो होगी। ठीक है, और अगर हम किसी और वैल्यू से भी इसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं, जैसे कि अगर कॉशन मनी होती तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी होती 1000, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट काउंट है तो उसके इसमें मैंने यहाँ पे जीरो बाय डिफॉल्ट भी और जीरो वापस से मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, देन अब और बहुत सारी बातें होती है स्टैटिक मेंबर्स के केस में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे अगर हम प्रोसीड करें तो देखिए मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी जो डिफाइन किया है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, और क्लास में भी हमारे पास में तीन डेटा मेंबर्स हैं। अब क्योंकि मैंने इनके आगे स्टैटिक कीवर्ड तो लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये मेंबर्स कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, non-static data members, that means कि जितने भी object create होंगे इन सारे के सारे
डेटा मेंबर्स की अलग अलग कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट होगी। लेकिन ऑब्जेक्ट काउंट जो आपके पास में डेटा मेंबर है, क्योंकि स्टैटिक है, तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट इस कॉपी को कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू और ऑब्जेक्ट थ्री की अगर मैं बात करूं, ये देखें एग्जाम्पल मैंने कुछ इस डायग्राम से भी मेंशन किया है। तो अगर काउंट में लेट्स से 100 है, ठीक है, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट वन के साथ इसकी वैल्यू को देखूंगी तो भी 100 रहेगा। ऑब्जेक्ट टू के साथ में इस वेरिएबल स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू को देखूंगी तो वो भी 100 ही रहेगा, और यहाँ पर भी 100 ही रहेगा। इस ऑब्जेक्ट थ्री के साथ में भी तीनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में शेयरेबल हो गया। प्लस मेन एडवांटेज क्या रहेगा कि ये मेमोरी में एक ही बार क्रिएट होगा। अगर नॉन स्टैटिक होते तो तीनों ऑब्जेक्ट के साथ इनकी अलग अलग अकरेंस होती, अलग अलग अपीयरेंस होती कुछ इस तरीके से। लेकिन स्टैटिक डेटा मेंबर रैम में एक बार ही क्रिएट होगा और सारे ऑब्जेक्ट उसको शेयर करेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। यहां तक कोई डाउट रह गया है तो पूछ सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टर के कॉलिंग की, तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले तीन डेटा मेंबर्स के वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर L, B और H तीन वेरिएबल्स भी लिए हैं। H में मैंने यहाँ पर क्या किया है, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ऐसे ही लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में यहाँ पर L, B और H ठीक है वैल्यू असाइन हो जाएगी। और अब अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट काउंट की, तो एग्जैक्टली मैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करना चाह रही हूँ कि जैसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो ऑब्जेक्ट काउंट में 1 हो जाए, तो और लास्ट में हम अगर प्रिंट करवाएं कि हमारे पास में टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए, तो वो हम सिंपली ऑब्जेक्ट काउंट को प्रिंट करवा के पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसीलिए क्या किया है, कंस्ट्रक्टर में ही ऑब्जेक्ट काउंट जो वेरिएबल है उसको उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा दिया एक एक वैल्यू से। तो जब ऑब्जेक्ट एक क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर तो हर केस में कॉल होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैंने दो अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स को कॉल कर, मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। मैं अगर उनका काउंट पता करना चाहूँ, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर जो है बेसिकली उसको हम कंस्ट्रक्टर में अगर प्लस प्लस करवा दे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास में टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर यही किया है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ऑब्जेक्ट काउंट में प्लस प्लस हमेशा होता रहेगा, तो प्रीवियस जो वैल्यू है उसी में इंक्रीमेंट होता रहेगा। ऐसे ही हमने स्टैटिक फंक्शन के केस में भी देखा था, ठीक है, या स्टैटिक हमने आपको ध्यान होगा कि हमने स्टोरेज क्लास के केस में भी देखा था, तो क्या होगा, प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट काउंट की वैल्यू है उसी में प्लस प्लस होता रहेगा। और लास्ट जो है मैंने वॉल्यूम नाम से एक फंक्शन बनाया है जो कि इन तीनों का क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन डिस्प्ले रिटर्न कर देगा, नॉट डिस्प्ले रिटर्न करेगा। क्या रह गया है, वो ये मेंबर्स है, उनको हम एक्सेस करने बताया था स्टैटिक जो डेटा मेल है, ठीक है, प्लस वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो हम स्टैटिक मेंबर्स को क्लास के साथ भी, क्लास के नेम के साथ भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, प्लस हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टैटिक मेंबर जो है वो पब्लिक था, तो इसलिए मैंने क्लास का नेम, सॉरी ऑब्जेक्ट का नेम और डॉट लगा के उसको एक्सेस किया। और ऐसे ही अगर हम बात करें क्लास की, तो क्लास के साथ अगर हम स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करना चाहें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास का नेम लिखना होगा और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पर पुट करना होगा। तो दोनों केस में ऑब्जेक्ट का काउंट टू डिस्प्ले हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में